नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं जा रहा हूँ द कश्मीर फाइल्स ये मूवी देखने। हम हैं स्लाव में, आज संडे है 13 मार्च, तो इस वक्त टाइम हो रहा है 6 o'clock। जैसे कि देख सकते हैं सारे शॉप्स वगैरह बंद हो चुके हैं। तक तो आपने WhatsApp पे आए हुए कश्मीर फाइल्स के ऊपर के रिव्यूज़ और मैसेजेस और वीडियोस तो देख ही लिए होंगे। तो आज हम जानेंगे, पहले तो हम मूवी देखेंगे, फिर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, देखेंगे उनकी क्या राय है फिल्म के बारे में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, हम मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अभी अभी मूवी देख के बाहर निकला हूँ और एक ही शब्द में मैं मूवी का रिव्यू दे सकता हूँ, आउटस्टैंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हार्ड हिटिंग मूवी है। बेसिक फैक्ट्स, हार्ड हिटिंग फैक्ट्स में उन्होंने मूवी बनाई है। तो मैं प्रोड्यूसर्स का और डायरेक्टर का बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन्स करूँगा कि उन्होंने इतने गट्स से ये मूवी बनाई है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दिस मूवी टू अस। आइए कुछ दर्शकों से बात करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है मूवी के बारे में। इतनी हिम्मत आज तक किसी ने दिखा नहीं पाया अभी तक, खासतौर से कश्मीर इशू पे। मैं भी बहुत बार कश्मीर गया हूँ अपने प्रोजेक्ट को लेके, बट एक हमेशा एक डर का माहौल रहता था वहाँ पे। तो मुझे याद है कि लाल चौक पे हम कभी विदाउट आर्मी वी आर नॉट एबल टू मूव नियर टू लाल चौक। एंड आई यूज़ टू गो विद आज तक द न्यूज़ चैनल, और उनके साथ रिपोर्टर्स के साथ जाने में इतना बड़ा रिस्क लगता था हम उस वक्त। तो हम बड़ी मुश्किल से, मतलब बहुत डर का माहौल था कश्मीर में उस वक्त। बट हाँ, ये अग्निहोत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कि उन्होंने इतनी हिम्मत करी ये मूवी दिखाने की। जो सच है आई थिंक किसी को पता नहीं था आज तक, वो सामने आया है। लोगों का रिएक्शन, गवर्नमेंट कुछ करना चाहिए इसके लिए ताकि हमारे कश्मीरी भाई, पंडित भाई वापस जा सके अपने घर पे। रोंगटे खड़े करने दे वाली मूवी है ये। ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो हमें कभी नहीं बताया गया कि हम पास्ट में क्या हुआ है। इस बार रियली जेनोसाइड, कितने लोगों को मारा गया और फाइल में दबा के रखा, ये दिखाता है कि 90s में जो गवर्नमेंट थी वो, उनका कोई सपोर्ट नहीं था वहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को, पुलिस को और आर्मी को, कुछ भी नहीं था। और उनको पूरा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ टेररिस्ट के हाथों में थी। ये ऐसे फैक्ट हैं जो सामने आए हैं। थैंक यू विवेक फॉर मेकिंग दिस सच ए वंडरफुल मूवी एंड bringing out the fact. It's the best way to describe how Kashmiri Pandit actually, you know, were facing what they actually faced in the 1990s. We just heard about the story. The last part is speechless, nothing to say. प्रत्यक्ष पिक्चरायझेशन मी जेव्हा बघितलं तेव्हा खरंच डोळ्यांवर विश्वास बसला नाही। ब्रिलियंट, बरेच असे अँगल्स होते ना की जे आतापर्यंत आपल्याला माहित नव्हते, किंवा जसं त्यांनी म्हणलं होतं की बऱ्याचशा गोष्टी जसं मीडिया तुम्हाला रिप्रेझेंट किंवा प्रेझेंट करतं आतापर्यंत, तशा प्रकारे एक साइडेड पिक्चर जे पेंट केलं होतं ह्याच्यामधनं बऱ्याचशा फॅक्ट फाइंडिंग ज्या आहेत। आणि एंड आवडला का तर एंडमध्ये त्यांनी कन्क्लुजन नाही दिलेलं, तर त्यांनी इट्स ओपन एंडेड, दे हॅव जस्ट शोन द फॅक्ट्स, पीपल आर फ्री टू डिसाइड वॉट इज इज ऑल अबाउट। मूवी नहीं कह सकते, इट्स अ रियलिटी एंड इट विल स्ट्राइक यू रियली हार्ड। रियलिटी पता चलेगी सबको कि क्या हुआ, और ये कम्प्लीटली वाइप्ड आउट है हिस्ट्री से, और शायद हमने किसी ने इसके बारे में ना देखा है ना सुना है, बट बहुत ही यू नो वेगली सुना है कि ठीक है कुछ एक्सोडस हुआ था, बट देन या जैसा मूवी में हाईलाइट किया है, इट्स नॉट एन एक्सोडस, इट्स अ जेनोसाइड। एंड देयर आर नो वर्ड्स टू यू नो एक्सप्रेस हाउ इट कुड हैव बीन यू नो फॉर दोज हु सफर्ड at that moment. We are very sympathetic to all the Kashmir Pandits and we are all together now and we consider like this is one of the shocking story of the Indian past, Indian history, which no one knows or very few people knows about it. And I suggest or request everyone to watch the movie and see the reality what happened with all the people from the Kashmirs. Actually movie to bol hi nahi sakte isko, lekin ek cheez hai, history bahut bada hai, lekin Kashmiri Pandit एक्चुअली क्या बीती थी और क्या रियलिटी है यह पता नहीं था, लेकिन इसमें उन्होंने दिखाया है। एक्चुअली जब मैं थिएटर से निकल रहा था, एवरीवन स्टॉप साइलेंस, मतलब पूरा साइलेंस ही था। हमारा जो कश्मीर को देखने का नज़रिया है वो शायद काफ़ी चेंज हो जाएगा, और शायद आगे जो भी उनको रिहैबिलिटेट करने में जो मदद मिल पाएगी, शायद गवर्नमेंट से भी अपील करेंगे और एज ए पब्लिक
ड्यूटी भी हम शायद आगे उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे इस मूवी के लिए यही कहना है कि जो हमने सोचा भी नहीं था कि कश्मीर एक्चुअली में है क्या या क्या हुआ है वहाँ पे, जिसके बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इस मूवी ने इतना टच किया है हमें। जी पल्लवी की एक्टिंग और आई मस्ट से ही इज माय फेवरेट वन, तो मुझे अनुपम खेर जी की एक्टिंग तो अमेजिंग लगी और उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग करी, वो हमेशा अच्छा करते हैं, बट आई थिंक द डायरेक्टर मेड इट रियली रियली गुड। एक्टिंग वाइज सबका, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दे हैव डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब, सो ओवरऑल मस्ट वॉच मूवी। दिस विल बी अ ग्रेट लेसन इन फ्यूचर्स एज वेल कि क्या नहीं होना चाहिए। जो भी जस्टिस इनजस्टिस हुआ है कश्मीर अगेंस्ट कश्मीर पंडित्स, दे शुड गेट द जस्टिस नाउ। जैसे कोई भी खान्स की मूवी आती है, जो बॉलीवुड माफिया, उनकी जो स्क्रीनिंग होती है 5000 स्क्रीन्स पर एक बार में आती है, और विवेक जी को सिर्फ 300 स्क्रीन पर मिला है, बढ़ के अभी सुना है कि 400 स्क्रीन हो गई हैं वर्ल्ड वाइड। मतलब दिस इज़ बिग सेम कि ऐसी अच्छी मूवीज़ को यहाँ पर ये बॉलीवुड कभी भी पनपने नहीं देता है, तो इसलिए ये पब्लिक है ना, जो पब्लिक उनके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तो पब्लिक का सपोर्ट है। और मैं इसलिए इनकरेज कर रहा हूँ सब लोगों को कि जाइए मूवी देखिए, मस्ट वॉच मूवी है, देख के आएगा, आपको टच नहीं करे तो आप मुझे बोलिएगा, आपको फैक्ट पता लग रहे हैं। और एक्टिंग के मामले में तो माय गुडनेस, मिथुंदा अपने में देखिए, मिथुंदा है, पल्लवी जोशी हैं, अनुपम खेर हैं, दर्शन लेजेंडरी एक्टिंग, और इतने बढ़िया एक्टिंग किया ना एकदम से। JNU का जो प्रोफेसर हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं वहाँ, उनका ट्रू फेस दिखाया गया है कि कैसे वो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, और फिर उनके जो सागिर्द बैठे रहते हैं ना बड़े बड़े जो इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज में, न्यूयॉर्क टाइम में, वाशिंगटन पोस्ट में, वहाँ जाके अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं और इंडिया के अगेंस्ट बनाते हैं, कश्मीर के अगेंस्ट बनाते हैं। तो ये सब नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात कही गई मूवी में वो ट्रू है, वो ऐसा ही होता है। ये एपिक सेंटर है JNU वहाँ का, JNU में बैठ के वो कश्मीर को चलाते हैं, जैसे बोला ना गवर्नमेंट तो उनकी है लेकिन सिस्टम हमारा है, दिस इज ट्रू। विवेक जी ने पूरी आंखें खोली हैं, सब कुछ सत्य सामने रख दिया पब्लिक के सामने, पब्लिक को डिसाइड करना चाहिए। आप मूवी देखिए, आप खुद डिसाइड कीजिए क्या सही है क्या गलत है। तो मैं सबको इनकरेज करूंगा कि जाएं और मूवी देखें, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और सारी स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी को टैक्स फ्री करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको जाके देखें। हम तो NRIs हैं, हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, आप उसमें बोलेंगे? हाँ देखिए, हम लोग NRIs हैं, हम लोग सपोर्ट ऐसे ही करते हैं कि हम लोगों को इनकरेज करें। सोशल मीडिया आजकल का सबसे बड़ा मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और TV चैनल्स, ये सब तो बकवास हो गए हैं क्योंकि बिके हुए हैं ये लोग। ये इनको जब खान पैसे देते हैं तो उनका बड़ी बड़ी रिव्यू कमेंट उनका सब पॉपुलरिटी करते हैं, लेकिन ऐसे जब ऐसी इस टाइप की मूवी आती है तो हम लोग NRIs हैं जो इंडिया में नहीं है, हम लोग लंदन में अभी यहाँ पे, हम लोग क्या करते हैं अपना रिव्यू शेयर करें, ऑनेस्ट रिव्यू सोशल मीडिया पे डालें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और छोटे छोटे रिव्यू बना के और सब जगह सर्कुलेट करें, इसी से पब्लिसिटी मिलेगी। हम वी हैव टू बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर सच मूवीज, फॉर सच डायरेक्टर्स, कि फ्यूचर में भी ऐसे डायरेक्टर्स को मोटिवेशन मिले और अच्छी से और ज़्यादा ज़्यादा मूवी बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मूवी के बारे में पता चले और ये मूवी देख के आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।